दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का और अभी टाइम हो रहा है दिन के 2 बज चुके हैं। मैं अभी आ चुका हूँ जनकपुरी के पास में और दोस्तों आज दिन फ्राइडे का है, बट फ्राइडे सिर्फ नाम का है। आप ओला उबर में जो भी ड्राइवर भाई गाड़ी चलाते हैं तो आज का दिन मतलब काम बिल्कुल भी ये लगा लीजिए कोई खास ठीक नहीं है बिल्कुल भी, और काम जिस हिसाब से होना चाहिए वो भी नहीं हुआ है। 1 घंटा मुझको यहीं जनकपुरी में हो गया है और राइड बिल्कुल भी नहीं आ रही है, चाहे ओला ले लीजिए उबर ले लीजिए, ठीक है। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हो मतलब आप जो भी ड्राइवर भाई गाड़ी चलाते हैं ओला उबर में, पहले क्या होता था कि हम लोग सुबह निकलते थे 7 बजे, तो उस टाइम हमें अच्छे खासे सर्च में ड्यूटियाँ मिलती थी, चाहे ओला में ले लीजिए या उबर में ले लीजिए। उबर में कि जब भी हम मतलब डिवाइस ऑन करते थे तो हमें स्क्रीन पूरी सर्च में रेड मिलती थी, ठीक है। और जब से दोस्तों उबर ने अपना रेट बढ़ाया है मतलब थोड़ा सा 10%, जब CNG के प्राइस बढ़ गए हैं तो हम लोगों ने भी उबर से काफ़ी संघर्ष किया, 3 दिन की स्ट्राइक करी, तब जाके उसने 10% रेट बढ़ा के दिया, उसके बाद उसने सर्च देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो मतलब अभी ये लगा लीजिए कि अगर आप 10 ड्यूटियाँ करते हैं तो उसमें एक ट्रिप में आपको 1.1 या 1.2 का सर्च कभी कभार देखने को मिल जाता है, अदरवाइज सर्च के नाम पर बिल्कुल भी मतलब उबर ने बिल्कुल भी सर्च देना बंद कर दिया है। और बीच बीच में स्कीम्स मतलब ट्रिप वाली भी चलाई थी इसने, वो भी देना बंद कर दिया है। मतलब अब ये लगा लीजिए कि अब जो नॉर्मल राइड का फेयर होता है बस वही हमें दिया जा रहा है, चाहे वो स्टार्टिंग से ले लो MBG प्लान ये देता था वो इसने बंद किया, उसके बाद इसने बूस्टर वाला वो चलाया था कि मतलब टाइमिंग के हिसाब से 3-3 घंटे में इस जगह बूस्ट रहेगा तो उस जगह आपको 1.2 के सर्च में बुकिंग मिलेगी, वो भी उसने कोविड के बाद मतलब कोविड से पहले बंद कर दिया। उसके बाद अब इसने बीच में फिर ट्रिप वाला स्टार्ट किया था कि मतलब कितने ट्रिप पे इतने पैसे मिलेंगे, वो भी थोड़े दिन चलाया, उसके बाद ये भी बंद कर दिया है। तो एक तरीके से ये लगा लीजिए ड्राइवर भाई को जितने भी बेनिफिट मिला करते थे वो सब अब मिलना बंद हो चुके हैं, ठीक है। अब बस ड्राइवर एक राइड के ऊपर ही डिपेंड है, राइड में जितना फेयर मिलता है, फेयर भी क्या मिलता है, बढ़ के ये लगा लीजिए जो हमें फेयर बढ़ के बढ़ाया है इसमें 10%, उससे ज़्यादा तो हमारा CNG में चला जाता है, क्योंकि हमारी जो सेविंग है वो सारी की सारी CNG में जा रही है, ठीक है। जो कुछ हम मतलब सपोज़ अगर 2000 का काम करते थे, 2000 के काम में से हमें पहले लगती थी 400-500 की CNG, तो 1500 रुपये हमारे नेट निकल के आ जाते थे। अब क्या है कि 2200 से 2400 का अगर काम कर रहे हो आप, 2500 का भी काम कर रहे हो, तो उसमें आपको 1000 रुपये तो CNG में ही जा रहे हैं आपके, ठीक है। 1000 रुपये आप CNG में दोगे और आप किसी की गाड़ी चला रहे हो तो आप उसकी अपनी सैलरी निकालोगे 650-650 रुपये, उसका गाड़ी का मेंटेनेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब जिस भाई ने नई गाड़ी ले रखी है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों की तो गाड़ी फ्री है तो मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। पर यह है कि देखो कमाना हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि उस जितना ज़्यादा कमा सके और अपनी सेविंग कर सके, तो वो सेविंग अभी ये लगा लीजिए 0 हो चुकी है, ठीक है। और कल की मैं एक बात बता दूँ आपको, कल मैंने एक राइडर को छोड़ा, मतलब ये लगा लीजिए कसूर गलती हमारी भी नहीं होती, पर वही है हमारी गलती ना होने के कारण भी हमें कंप्लेंट मिल जाती है। तो कल एक राइडर ने मेरी ऊबर में कंप्लेंट करी, बस गलती ये थी। अब दोस्तों आप भी जानते हो हम लोग घर से निकलते तो हम इतना कैश लेके निकलते हैं कि मतलब हमारे पास एक दो बंदे अगर 500-500 के नोट दे दे तो हम उसका चेंज दे सकते हैं। अब हमेशा अगर कंटिन्यू आपको, अब मेरे पास 2 राइडरों ने 500-500 रुपये दिए, उनको मैंने चेंज दे दी, उसके बाद तीसरे राइडर के उसमें मेरे पास बिल्कुल भी चेंज नहीं बची। हालांकि अब तो सब कुछ डिजिटल हो चुका है, आप जैसे कि जानते हो मतलब अगर आपके पास चेंज नहीं है तो बंदा गूगल पे फ़ोनपे पेटीएम कुछ भी कर सकता है, और मैंने बकायदा पीछे मेरे बैक साइड में है, मैंने स्कैनर कोड सब कुछ लगा रखा है, ठीक है। बंदी बैठी अच्छी खासी थी, मतलब अच्छी उसकी रिच पर्सन थी, और मतलब सीधा 500 नोट मैंने बोला मैडम चेंज तो नहीं है मेरे पास, तो कहती आप लोग क्या करते हो, मतलब चेंज नहीं रखते। मैंने कहा जी रखता हूँ, आप पेटीएम कर दो या तो ऑनलाइन कर दो। मैंने कहा रखते हैं बट इत्तेफाक से अभी ख़त्म हो गई है, आपसे पहले जो राइडर थे उनको देनी पड़ गई थी, तो फिर वो मतलब 10 मिनट मेरे वहाँ पर ख़राब हुए उनके घर के पास में, फिर उन्होंने अपने नौकर को बुलाया, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब चेंज मेरे पास बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी, तो चेंज ये लगा लीजिए 300 रुपये, 260 का बिल था, 300 भी दिए, तो 300 में मेरे पास सिर्फ 20 रुपीज़ थे चेंज,
बाकी चेंज मेरे पास सीधा 500-500 भी नोट थे, तो कहती मैं ऊबर में कंप्लेंट डालूंगी, मतलब ऐसे ऐसे आप लोग रखते नहीं। उनका जी देखो आप, मैंने उनको ये बोला, मैडम आप तो हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है। कह रही हम नहीं रखते, वो सीधा ये बोलते मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा मैडम अब इसमें मेरी क्या गलती है, पहले बताइए। आपसे पहले जो राइडर थे दो, उन्होंने मतलब चेंज, अब हम तो एकदम से लेकर नहीं चलते ना, अब तो गवर्नमेंट ने भी ऑप्शन दे दिया है कि डिजिटल में आप कर सकते हो, या तो आप मुझे अपना अकाउंट नंबर बता दो, मैं आपको 20 रुपीस जो बैलेंस है वो दे देता हूँ। तो मतलब बहुत ही आर्गुमेंट, मतलब एक तरीके से चिढ़ के गई है। और तुरंत जाते ही मेरी एक कंप्लेंट हुई, और कंप्लेंट में सीधा रेटिंग 1 पॉइंट तुरंत गिर गया, 4.91 थी, 4.90 हो गई। तो मतलब ऐसे ऐसे वो है। और ऊबर ये है कि कस्टमर की कंप्लेंट पे ज़्यादा गौर करता है कंपेयर टू ड्राइवर की कंप्लेंट। ड्राइवर अगर कंप्लेंट करेगा ना तो राइडर का कुछ नहीं होता, पर कस्टमर अगर एक कंप्लेंट कर दे तो मतलब ड्राइवर का बहुत कुछ हो सकता है। फॉर एग्जांपल कई ड्राइवर के अकाउंट भी होल्ड भी कर दिए जाते हैं कंप्लेंट से, और कंप्लेंट जायज़ भी नहीं होती कई बार। ऑप्शन मतलब कहने को एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कंप्लेंट किसी और चीज़ की होती है, पर राइडर अपने कुंडक निकालने के लिए कुछ भी, उनको पूरी फ्रीडम होती है, ठीक है। जिससे क्या है कि ड्राइवर भाई की आईडी वगैरह ये सब चीज़ें होल्ड हो जाती है, तो इससे क्या है कि बड़ा दिक्कत सी होती है ड्राइवर भाई को। काफ़ी ड्राइवर भाई को एक एक दो दो दिन के लिए आइडिया भी होल्ड हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो आज का काम तो मतलब अभी लगा लीजिए बहुत कम है, अभी दिन के 2 बज चुके हैं, तो 1000 रुपये तक का अभी मेरा काम हुआ है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग पे, टिल देन बाय।